आज हम आपसे जिस टॉपिक पे डिस्कस करने आए हैं, इट्स न्यू लाहौर सिटी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज नगीन आसिफ फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। आप जैसे कि आपको पता है कि टाइटेनियम ग्रुप डेली बेसिस पे आपको डिफरेंट सोसाइटीज़, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल सेक्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता है। उसी फ्रेमवर्क में आज हम आपसे जिस टॉपिक पे डिस्कस करने आए हैं, इट्स न्यू लाहौर सिटी। न्यू लाहौर सिटी का आज हम लाइव विजिट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसकी हिस्ट्री, इसकी डेवलपमेंट, इसका करंट स्टेटस और इसकी तमाम तरह जो लोकेशंस हैं उससे आपको आगाह कर सकें। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, खासतौर पे उन लोगों के लिए जिनको इसकी लोकेशन को लेके और इसकी डेवलपमेंट, करंट स्टेटस, करंट डेवलपमेंट को लेके काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने में आ रहा था, उनके लिए भी। तो आइए चलते हैं इसका लाइव विजिट पे। जी व्यूअर्स, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम न्यू लाहौर सिटी के लाइव विजिट, आज मैं आपको इस पूरी सोसाइटी का विजिट करवाऊंगी। तो अभी हम जहाँ पे मौजूद हैं, ये बेसिकली बहरिया टाउन का गाजी ब्लॉक है और न्यू लाहौर सिटी की बेसिकली तीन एंट्रेसेस हैं। एक एंट्रेस इसकी बहरिया टाउन के गाजी ब्लॉक से है और एक एंट्रेस इसकी किनार रोड के ऊपर से है और एक एंट्रेस इसकी सुंदर रोड के ऊपर से है। तो अभी हम जहाँ पे मौजूद हैं, ये बहरिया टाउन का गाजी ब्लॉक है और यहाँ से इसकी इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा लाइव विजिट अगर हम इसका करें। और ये इसकी एंट्रेस है जो इसकी फेज थ्री को कनेक्ट होती है न्यू लाहौर सिटी के। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जो बेसिकली न्यू लाहौर सिटी की जो फेज थ्री है, इसकी डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से जो है वो कंटिन्यू की जा रही है। और ये इसकी बेसिकली एंट्रेस है जहाँ से हम अभी फेज थ्री में जाएंगे और इसका जो डेवलपमेंट है, इसका कहाँ तक पहुँचा है और किस हद तक इसकी डेवलपमेंट कम्प्लीट हो चुकी है, उसके बारे में हम आपको कम्प्लीट विजिट करवाएंगे। सिटी का फेज थ्री है और आप राइट साइड पे देखेंगे, आपको हमारे कैमरामैन ने अगर दिखाएं तो ये राइट साइड के ऊपर इसकी जितनी डेवलपमेंट है वो तमाम तर इनकी कंप्लीट हो चुकी हुई है और मोस्ट प्रोबेबली 6 से 7 माह के अंदर अंदर इसका जो पोजीशन है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। जी व्यूअर्स, तो वो सामने भी आप देख सकते हैं कि ये तमाम तर जो फेज थ्री की डेवलपमेंट है वो कितनी तेज़ी से जा रही है और मशीनरी लगी हुई है और इसकी डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से कंटिन्यू है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट्स एक्सपेक्टेड कि 6 से 7 माह के अंदर अंदर इसकी जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब हम चलते हैं इसके फेज़ थ्री का कंप्लीट ओवरव्यू करते जाएं और साथ ही साथ इसका जो फेज़ टू है जो इसके साथ कनेक्टेड है, जिसका पोजीशन पहले अनाउंस कर दिया गया हुआ है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखते जाएँ। तो ये बेसिकली तमाम इसका फेज़ थ्री है और अभी हम चल रहे हैं फेज़ टू की जानिब। तो ये फेज़ थ्री इसका कंप्लीट है, इसकी डेवलपमेंट आप देख सकते हैं कि इसके रोड्स वगैरह, इसकी लाइटिंग वगैरह का काम कंप्लीट है और काफ़ी हद तक मशीनरी ने जो इसका बाकी काम है वो कंप्लीट कर दिया हुआ है। आपको हमारे कैमरामैन दिखाएं तो ये जो कनेक्टिविटी है इसकी, बेसिकली ये राउंड अबाउट की, ये डायरेक्ट जाके कनेक्ट होगी बहरिया टाउन के गाजी ब्लॉक के साथ और इसका भी, इसकी भी एंट्रेंस जो है वो सून ओपन हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ जो इसकी बहरिया टाउन की एंट्रेंस है और इसका जो वॉक थ्रू है जो वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ से जब हम इसके राउंड अबाउट की लेफ्ट साइड से जाएँ तो ये तमाम इसका, ये सारा का सारा इसका फेज़ थ्री है जिसमें मोस्टली लोगों ने काफ़ी इनिशियल स्टेज के ऊपर जब इन्वेस्टमेंट की थी तो बहुत मिनिमम रेट के ऊपर जो इसकी इन्वेस्टमेंट है वो इन्होंने की थी। जी व्यूअर्स, तो आप यहाँ पे देखते जाएं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है और काफ़ी लोगों को यहाँ पे ऑन ग्राउंड जो प्लॉट्स हैं वो अलॉट कर दिए गए हैं, पोजीशन अनाउंस कर दिया गया है। और राइट साइड पे आप जो मेरी डेवलप्ड जो फेज देख रहे हैं, ये न्यू लाहौर सिटी का फेज़ टू है। तो यहाँ से इसका जो फेज़ टू है वो स्टार्ट होता है न्यू लाहौर सिटी का। यहाँ पे आपको जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, आप इसको कैश पे बाइंग करके फौरी अपना घर जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कमर्शियल सेक्टर है वो भी काफ़ी हद तक एक्टिव है, तकरीबन तमाम जो इनका कमर्शियल है वो एक्टिव हो चुका हुआ है।
और जो घर हैं इनके वो भी काफ़ी हद तक 80% जो आबादी है वो यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं ये इसका फेस टू है और काफ़ी हद तक ये देखिए आप इसमें जो आबादी है वो ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, इसके व्यूअर्स में थोड़ा सा आपको हिस्ट्री के बारे में भी बताती जाऊँ तो लास्ट 10 ईयर्स बैक अगर हम देखें तो इनके रफ़ी ग्रुप वाले और जैतून ग्रुप वाले जो हैं वो इनके डेवलपर रह चुके हैं और जिनके इनके बेसिकली कुछ क्लैशेस की वजह से, कुछ डिस्प्यूट्स की वजह से जो इनका मार्केट में नाम था वो काफ़ी हद तक शेक हुआ था और काफ़ी जो है इनके नेगेटिव इस्पेक्ट जो हैं वो देखने में आए थे, तो जिसकी वजह से जो मोस्टली लोगों की जो जो ट्रस्ट था वो शेकआउट हुआ था। तो उसी चीज़ को देखते हुए मोस्टली जो फिर जैतून वालों ने जब इसको ओवरकम किया और इसको कम्प्लीटली ऑन किया तो मोस्टली लोगों के जो अमाउंट्स थे जो इस डिस्प्यूट की वजह से डिस्ट्रैक्ट हुए हुए थे उन्होंने उनको फिर रिफ़ंड किया और न्यू जो है इसकी कटिंग के थ्रू इन्होंने इसको जो बाइंग थी लोगों की उसको मर्ज किया। तो ये बेसिकली थोड़ा सा इनका एक जो हिस्ट्री को देखते जाएं तो कुछ इश्यूज इनके देखने में आए थे और जिसकी वजह से जो है वो इनका मार्केट में नाम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ था। बाकी ओवरऑल अगर आप इसमें पोजीशन कैटेगरी में जाते हैं तो आप फौरी इसमें प्लॉट्स बाइंग करके तो इसमें अपना जो घर है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और इसमें फाइल्स की भी बुकिंग चल रही है जो कि फेज़ 4 में है। ये बेसिकली इसका फेज़ 1 अब स्टार्ट होने जा रहा है और फेज़ 2 इसका जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अभी हमने आपको जो पीछे दिखाया, और इसका फेज़ 1 जो है वो टोटली LDA अप्रूव्ड है और ओवरसीज ब्लॉक इसका जो है वो टोटली अप्रूव्ड है। और जिस तरह के मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, वीडियो के स्टार्ट में, कि इसकी जो फर्स्ट एंट्रेंस है वो किनार रोड पर से लगती है, तो अभी हम उसी एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं और ये बेसिकली फेज़ 1 से इसका जो एंट्रेंस है वो कनेक्टेड है किनार रोड की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं इसकी डेवलपमेंट और इसकी जो ऑन ग्राउंड सिनेरियो है वो कहाँ पर मौजूद है, कहाँ पर स्टैंड करता है। तो ये आप देख सकते हैं ये इसका फेज़ 1 है और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो डेकोरेशन को और ग्रीनरी को प्रेफर किया है और जो कि इसकी ब्यूटी को काफ़ी इन्हेंस करती है। ये इसके लेफ्ट साइड पे हमारा जो कमर्शियल है वो एक्टिव हुआ हुआ है और काफ़ी हद तक इसका कमर्शियल भी जो है वो ऑन ग्राउंड रनिंग में है और ये इसके फेज़ 1 की इसकी मस्जिद है। फेज़ 1 और फेज़ 2 इसका फुली ऑपरेशनल है, फेज़ 3 में इसकी डेवलपमेंट जारी है और फेज़ 4 में फाइल्स में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यू है और 3 से 4 साल के प्लान पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो स्टैंड करती है। ये न्यू लाहौर सिटी का जो एंट्रेंस का गेट है जो कि आप देख सकते हैं किनार रोड के साथ इंटरकनेक्टेड है। ये बेसिकली किनार रोड है जो आप देख सकते हैं, ये सीधा आपको जाती है शाहकाम के साथ और शाहकाम की कंस्ट्रक्शन की वजह से क्योंकि अभी वो बंद है तो हम लोग इसके फेज़ 3 की एंट्रेंस से आए हैं और ये इसका आप देख सकते हैं इसका जो गेट है वो टोटली ऑपरेशनल है और काफ़ी हद तक इन्होंने डेकोरेशन को प्रेफर किया है। जी व्यूअर्स, तो ये था हमारा न्यू लाहौर सिटी का लाइव विज़िट। उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, मोस्टली उन लोगों के लिए जिनको विज़िट करने में और उनकी लोकेशन को लेके काफ़ी प्रॉब्लम देखने में आती थी। आई होप सो कि ये उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और एक ख़ास चीज़ मैं आपको इसमें बताती जाऊँ तो ये बेसिकली इसमें अगर आप कम बजट रखते हैं और पोजेशन वाला प्लॉट अगर आपको इसमें रिक्वायर्ड है तो आप फेज़ 2 में 50% पे करके भी पोजेशन वाला जो प्लॉट है वो अपने लिए बुक करवा सकते हैं। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए या बुकिंग के लिए फाइल्स की कैटेगरी में या ऑन ग्राउंड प्लॉट की कैटेगरी में आप मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेम नंबर मेरा व्हाट्सएप एंड ईमो पर भी मौजूद है फॉर माई ओवरसीज क्लाइंट। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।